गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज डे टू इन गोवा और अभी हम लोग जा रहे हैं अंजुना बीच और सुबह के बज रहे हैं 9:30 और वहाँ पे हम लोग करने वाले वाटर एक्टिविटीज़ और उसके बाद जो फ्ली मार्केट है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो हाफ डे का प्लान वही है। फिर लंच के बाद हम लोग जाने वाले हैं वागाटोर बीच और वहाँ पे जो फोर्ट है जो दिल चाहता है के नाम से फेमस है, मूवी में आया था, वो भी विजिट करने वाले हैं। सो आज का प्लान वही है। हम लोग पहुंच गए अंजुना बीच, वहाँ पे 30 रुपीज़ में बाइक पार्क कर दी और वहीं से हमने टैक्सी बुक कर ली है कल गोवा एयरपोर्ट के लिए। तो हमें सुबह पिक करेगी, 1800 रुपये बार्गेन किया है। तो हमारे जो रिजॉर्ट है खुद ही बोला उसने मतलब 1800 2000 बोला था 1800 लास्ट। तो वहाँ से गोवा एयरपोर्ट छोड़ देगा, फिर वहाँ से हम सेल्फ ड्राइव जो कार है वो लेंगे क्योंकि हमें साउथ में घूमना है। तो अभी चलते हैं अंदर और कल जो बंदे ने हमें नंबर दिया था वाटर स्पोर्ट के लिए उसको कॉन्टैक्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी। रेडी है? Yes, I am, but मेरे को बहुत डर लग रहा है। और इसने अभी वाटर स्पोर्ट किया, गिरते गिरते बची यहाँ पे। मैंने वाटर स्पोर्ट किया, अभी यहाँ पानी में। अभी हम लोग अंजुना बीच आए, मतलब मुश्किल से 30-40 लोग हो गए यहाँ पे और वो भी फैले हुए पूरे बीच पे फैले हुए। तो अगर आपको सिर्फ बीच एंजॉय करना है आराम से तो डेफिनेटली अंजुना बीच इज द बीच। बागा पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, बागा तो कुंभ का मेला है तो वहाँ पे तो रह नहीं सकते। अंजुना इट्स रियली नाइस। अब आप जस्ट लेट मी शो यू कितने आराम से सब लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं और हाई टाइड भी बहुत ज़्यादा है। पानी देखो कहाँ तक आ रहा है। So we are all set for the rides. I'm so scared. और हम रेडी हो चुके हैं। Scared. क्या तुमने बोला था अभी हम चले कहाँ तरफ? हम चले कहाँ? बर्बादी क्यों? 5 राइड्स है हमारी और हाई टाइड चल रही है अभी, तो देखते हैं कितना हो पाएगा। और अंदर 2-3 राइड्स में कैमरा लेके जाना सेफ नहीं है, जैसे कि जेट स्की और बना रहा है। तो देखते हैं मैं कैसे मैनेज करता हूँ शॉर्ट्स का। डेफिनेटली जितने पॉसिबल हो सके उतने वीडियोस तो मैं बनाऊंगा ही, बाकी अंजलि को मना कर दूंगा खड़े खड़े यहाँ पे वीडियो ले लूँगा। मैं जान की बाजी लगा के अंदर जा रही हूँ, मैं पकड़ के बैठ जाऊँगी गाइड को ऐसे गला घोट के। वही तो वो क्वेश्चन पूछे होते, थोड़ी मेरी बॉडी ज़्यादा है तो ऐसा बोर्ड पलट तो नहीं जाएंगे सर। तो क्या करूँ, मेरे क्वेश्चन से नहीं पूछोगी? ऐसा कौन क्वेश्चन पूछता है, जान पाए इसलिए। ठीक है चलो, पानी में डूब के नहीं मरना मेरे को। देखते हैं डॉल्फिन की जगह अगर अंजलि गिर गई तो। बात जो हमने आज सीखी है कि अगर आप लोग गोवा आ रहे हो और आपका नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों घूमने का प्लान है, देन मेक श्योर कि आपके पास रेंट पे कार है, क्योंकि यहाँ से साउथ गोवा जाने के लिए कम से कम आपको 3000 रुपये टैक्सी का देना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप रेंट पे कार ले लो जो 1200-1500 पर डे में आपको मिल रही और वो लेके साउथ गोवा जाओ। और वो जो कार है उसको आप बोल सकते हो कि हम एयरपोर्ट पर ड्रॉप करेंगे, तो आप एयरपोर्ट पर जब उतरो एयरपोर्ट से पिक कर लो, एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर रखो और नॉर्थ और साउथ दोनों घूम लो, आपके काफ़ी सारे पैसे सेव हो गए। हमारे तो नहीं होने वाला, हमने पता चल गया, हमने अभी एक 2000 की डील की है। तो अगर आप लोग गोवा आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली बुक अ कार फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, तो आप आराम से शांति का। इटर्निटी लेटर, कैसा लग रहा है आपको? वापस घूमूंगा जल्दी। जेटस्की करने गया है उसको देख के मुझे डर लग रहा है, मुझे लगा मैं कैसे कर पाऊंगी। देखते हैं, लेट्स सी।
अच्छा था। तो अभी जेट स्की के 1500 में इंक्लूडेड है, पर अगर आपको खुद को चलाना है एक रेड बोट की तरफ, वहाँ पे पीछे आपको बताएगा कि वहाँ तक जा सकते हो। एक दूर की बोट है तो उसके 300 रुपये अलग लगेंगे, तो अगर आपको करना है तो कर सकते हो। इट्स रियली अमेजिंग, वर्थ 300 रुपये। अंजलि ने नहीं किया था, मैंने किया था, बहुत मज़ा आया। मुझे करण ने मना किया था एक्चुअली। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो स्कूटी नहीं है, वो मतलब स्कूटी से सही चलाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो 300 रुपये एक्स्ट्रा है, आप माइंड में रखिए। आपने अगर आप 1500 के पैकेज में आ रहे थे। अभी नेक्स्ट है बम्पर राइड, इसमें दो लोग बैठते हैं और बोट होती है, वो खींचते हैं। तो आई होप इसमें मैं वीडियो बना सकूँ, आई ट्राई कितना बनता है वीडियो। और रेडी है बम्पर राइड के लिए? आई एम सो स्कैर्ड, फिर से बैठ जाओ। नहीं, पानी में तो रखे गए ना, चलो आगे आ जाओ। पैसे का क्या मतलब दिए जो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसों में, मुझे ढूंके नहीं मर रहा। आ, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है ये स्पीड बोट। मत गिर जाना इस पे। बनाना राइड में तो तुम गिर गई, जोर से गिरा, मुझे आईडी लगानी पड़ेगी। सब जगह छिल गई। तो अब हमारी जो लास्ट राइड है पैरासाइलिंग, उसके लिए जा रहे हैं। बोट में जाना है मिड वे, और वहाँ पे जंक्शन है, वहाँ से पैरासाइलिंग के लिए जा रहे हैं। अंदर जाके नहीं बैठूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने हाइट लिया एक्स्ट्रा, 100 मीटर की हाइट है। एंड लुक एट द गोवा। आई डोंट नो अब आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे रही है, बदल रही है। वाटर स्पॉट एक्टिविटी हो गई खत्म, और अंजुना बीच का जो भी प्रोग्राम था हमारा सब खत्म हो चुका है। नाउ वी विल गो टू आवर होटल, फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा आराम।
आराम करेंगे, फिर लंच करके हमें जाना है दिल चाहता वाला जो फोर्ट है वहाँ पे जाना है, और उसके बाजू में एक बीच है, मुझे अभी तो ना याद नहीं आ रहा, परेशान हो गई इसलिए, मतलब हाँ एक लड़की तो लिटरली रोने लगी नीचे जब उतरी जब पैरासेलिंग में, इसका मैंने वीडियो लिया है तो मैं डाल दूंगा, आपने देखा होगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आएंगे धोएंगे पूरा पानी, इतना नमकीन है ना मुँह में चला गया मेरे तो, मैंने तो गरारे कर लिए, अगर किसी का गला खराब है तो गरारे करना मत भूले हैं आगे। So that's it for today's video. अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ द लाइक बटन लाइक सब्सक्राइब करा और साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट गोवा का ब्लॉग लाए उसके सबसे पहले अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।